जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केपी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के तरफ से 1522 पदों पर जो भर्ती निकल कर आया था 2020 में, जिसमें कांस्टेबल, ड्राइवर, कुक, बार्बर, वेटेनरी तथा काफ़ी सारे पोस्ट थे। तो उसी को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि इसका रिटेन एग्जाम कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, रिटेन एग्जाम को लेकर आज की इस वीडियो स्पेशल है, यानी कि रिटेन एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछे जाएगा। और साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन है कि पहले पीईटी पीएचटी होगा या रिटेन होगा, यानी कि पहले आपका एग्जाम होगा या दौर होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में मिलेगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है और आपको तैयारी कैसे करना है और आज से आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, इसकी तैयारी को लेकर कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो ये एसएसबी का भर्ती है इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो देखिए, इसका जो एडमिट कार्ड है यानी कि एडमिट कार्ड, ये आपका फरवरी मंथ यानी फरवरी 2021 में जो है आपकी फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। फर्स्ट वीक में जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है पिछला जो भर्ती था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, वे भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस जो है समाप्त हो चुका है। तो अब जो है आपका ही एडमिट कार्ड आने वाला है जो कि फरवरी मंथ में आ जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का सवाल था। तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा फर्स्ट वीक में और एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियली इसके साइट जो है इस पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑफिशियली वेबसाइट पर। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें एक और कमेंट मुझे मिला था कि सबसे पहले पीटी पीएचटी होगा या रिटेन होगा तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो है पीटी पीएचटी होगा, उसके बाद आपका रिटेन होगा। तो देखिए, फिजिकल जो टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी एंड पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटेनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर, ये सभी का जो है रनिंग होगा 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर रेस होगा 18 मिनट में। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 4.8 किलोमीटर की जो है रनिंग की तैयारी करें 24 मिनट में। आप इसकी तैयारी ग्राउंड में भी कर सकते हैं या रोड पर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कैसा आपका सुविधा है आपके एरिया में। अगर ग्राउंड है तो आप ग्राउंड में भी कीजिए, नहीं तो रोड की सुविधा है तो रोड पर भी आप सभी कर सकते हैं। और इसकी तैयारी आप सभी जोर शोर से कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो है एडमिट कार्ड काफ़ी जल्द आने वाला है। आपके पास टाइम अब नहीं है, लगभग अब टाइम आपके पास 15 से 20 दिन ही बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द इसकी तैयारी शुरू कीजिए अगर आप सभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। और इसकी तैयारी में सबसे पहले आप रनिंग में जो है जी जान लगा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले इसका रनिंग ही होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर रेस जो है 18 मिनट में होगा। 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर हम इसे बोल सकते हैं, 18 मिनट में आपका फीमेल की रनिंग होगा। इसके बाद जो है हाइट वेट आपसे मांगा जाएगा। तो हाइट के बारे में तो आपको पता है पहले से, मैंने भी आप सभी को वीडियो बनाकर बताया है कि कौन से पोस्ट में कितना हाइट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं रिटेन एग्ज़ाम की। तो देखिए, ये रिटेन एग्ज़ाम का लेकर स्पेशल ये वीडियो था, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में सभी जानकारी दे दिए थे कि पीटी पीएचटी कैसा होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, लेकिन रिटेन के बारे में मैंने कभी नहीं बताए थे। तो रिटेन को लेकर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए, रिटेन का जो आपका एग्ज़ाम है ये कब होगा। तो सबसे पहले तो आप पीटी पीएचटी जब क्वालिफाई कर जाएंगे यानी कि पास कर जाएंगे, उसके बाद आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कॉमन एंट्रांस टेस्ट के अंतर्गत बताया गया है कि फॉर ऑल पोस्ट यानी कि सभी पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट है एसएसबी ट्रेड बैंड के अंतर्गत, चाहे वेटनरी हो, कॉन्स्टेबल, ड्राइवर हो, कुक हो, बार्बर हो, सफाई वाला हो, कोई भी ट्रेड हो, उसमें जो है आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें आप सभी के जनरल नॉलेज के प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और जनरल इंग्लिश या हिंदी में से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश।
तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश लीजिए, नहीं तो हिंदी अच्छा है तो हिंदी लीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हिंदी ले, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जनरल नॉलेज रहेगा जीके का, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी आप सभी ले लेना। और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का, यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दे तो देखिए 100 क्वेश्चंस रहेगा 100 नंबर का, और 120 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर्स 2 घंटा। तो यहाँ पे आप सभी देख लिए कि रिटेन एग्ज़ाम इसका कैसा होगा, और ये रिटेन एग्ज़ाम जो है आपका पीटी पीएचटी के बाद होगा, यानी कि क्वालिफाई जब कर लीजिएगा उसके बाद आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, और इसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं डीएमई होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर मेडिकल में आप छटते हैं तो री मेडिकल आपका लिया जाएगा फिर से बाद में कुछ दिन बाद, उसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा इसमें। तो दोस्तों यही थी कुछ वीडियो अपडेट, जो आप सभी का कमेंट था और रिटेन एग्जाम को लेकर कन्फ्यूजन था वो मैंने आपको बता दिए। इसका एडमिट कार्ड फरवरी मंथ में आ रहा है, आप सभी तैयारी में लग जाइए अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।